सोलन में महान भारतीय इंजीनियर भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरैया की याद में इंजीनियर डे बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। लोक निर्माण विभाग, बिजली बोर्ड और आईपीएच विभाग के इंजीनियरों ने इस दिवस पर महान इंजीनियर विश्वेश्वरैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए केक काट कर सभी को शुभकामनाएं दी और इस मौके पर सभी इंजीनियर्स ने अपने कार्यों को किस तरीके से बेहतर किया जा सके इस बारे में विचार विमर्श भी किया। अधिक जानकारी देते हुए उपस्थित अधिकारी ने कहा कि आज वह महान भारतीय इंजीनियर भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरैया की याद में आज अभियंता दिवस मनाया गया। उन्होंने कहा कि आज यह विचार विमर्श किया गया कि काम को बेहतर बनाने के लिए अब ठेकेदारों का मार्गदर्शन करना होगा और निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर अधिक ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि आज हिमाचल की भौगोलिक स्थिति बेहद विषम है, लेकिन उनके बावजूद भी यहाँ उत्तम तकनीक का उपयोग कर सभी बाधाओं को पार करते हुए विकास के नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। आज हमारे एम विश्वेश्वरैया 15 सितंबर का उनका दिन मनाया जाता है और इंजीनियर्स डे के नाम से मनाया जाता है। वो एक महान हस्ती थे जिनकी पब्लिक लाइफ स्पेशली कर्नाटका में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है। हमारे सीएम साहब का भी यही फोकस है कि क्वालिटी ऑफ वर्क रहे। इंजीनियर्स जो हैं आज की डेट में इंजीनियरिंग पे कम और कोर्ट केस और बाकी प्रायोरिटीज़ ज़्यादा फिक्स होती हैं क्योंकि इस तरह का सिस्टम बन चुका है। तो अब कॉन्ट्रैक्टर्स को ही हमें बहुत ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा ताकि वो भी क्वालिटी कॉन्शियस रहे। हिमाचल प्रदेश एक डिफ़िकल्ट टेरेन होने के नाते फिर भी हमने बहुत प्रगति की है और हम ये आशा करते हैं कि हम आगे भी क्वालिटी कंट्रोल को ध्यान में रखते हुए हर एक बाधाओं को दूर करके इसमें अच्छी से अच्छी प्रोग्रेस लाएं। 100% रहता है कि हम इसमें अच्छा कंस्ट्रक्शन करें क्योंकि इससे ही हमारा अपना नाम होगा और हमारे देश का नाम होगा। अगर हम कंस्ट्रक्शन को किस तरह से हम उसको इंस्पेक्शन हमारे अच्छी करनी पड़ेगी। हमारा अपना भी चेक होती है, जेई भी चेक करता है, 10% जेई का चेक होता है, 20% एक्सिन का चेक होता है, एससी भी चेक करता है। तो हम ये आगे भी करेंगे, अभी तो करते हैं, आगे भी जरूर करें। थैंक यू। सोलन से अमरप्रीत पुंज। You are watching News India Live TV. Subscribe our channel for latest news and updates. And don't forget to press bell icon for latest notifications.